देश प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर अब नई चर्चा छिड़ गई है। पिछले दिनों रायपुर अधिवेशन में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित करने की बात कांग्रेस पार्टी और उसके नेता केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं और इसके लिए दबाव भी बना रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार ने अलग से अपने स्तर पर जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया था, लेकिन न्यायपालिका की रोक के बाद अब बिहार सरकार की योजना खटाई में पड़ गई है। सवाल ये उठता है कि क्या जातिगत जनगणना की मांग समाजों को आगे बढ़ाने के लिए है या फिर इस मांग में राजनीतिक पार्टियों को अपनी जीत का रास्ता दिखाई दे रहा है। देखिए इस पर रिपोर्ट। सीएम राजस्थान, मैंने भी पत्र लिखा है कि जो हमारा प्रस्ताव है उसके अनुरूप आप जातिगत जनगणना करवाएं। सीएम अशोक गहलोत जातिगत जनगणना की जो मांग कर रहे हैं, वैसे ये मांग कोई नई नहीं है, क्योंकि समय समय पर राजनीतिक दलों ने जातीय समीकरण साधने के लिए ये सियासी दांव भी चला है। लेकिन अब इसी मांग को कांग्रेस पार्टी ने तेजी से आगे बढ़ाया है। रायपुर अधिवेशन की बात को दोहराते हुए सीएम अशोक गहलोत ने जातिगत गणना की मांग की है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में जातिगत जनगणना कराने के लिए पीएम मोदी को भी पत्र लिखा है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये प्रस्ताव पास किया है। उसके फॉलोअप के अंदर ही जो मणिकर्ण खड़गे साहब हैं, इन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को और सीएम राजस्थान, मैंने भी पत्र लिखा है कि जो हमारा प्रस्ताव है उसके अनुरूप आप जातिगत जनगणना करवाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे पहले भी जातिगत जनगणना की बात कही है। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी भी जातिगत जनगणना को लेकर मुखर दिखे हैं। ऐसे में चुनावी पंडितों का मानना है कि गहलोत की इस मांग का चुनावी राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। दरअसल कांग्रेस पार्टी कई बार बीजेपी पर ध्रुवीकरण के राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम के आधार पर राजनीति करती है और इससे वोटों का ध्रुवीकरण होता है। बीजेपी की इसी रणनीति को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का ऐसा मानना है कि उनके पास में अल्पसंख्यक वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में अगर बीजेपी के वोट बैंक में जातिगत जनगणना के नाम पर सेंध लगाई जाए तो बीजेपी को तो नुकसान होगा ही, साथ में कांग्रेस को इसका चुनावी फायदा मिल सकता है। शायद इसी सोच के साथ कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना की मांग को आगे बढ़ाना चाहती है। हालांकि सीएम गहलोत ने आरक्षण का दाव भी चला है। सीएम ने कहा कि देश में पहले आरक्षण के मामले में 50% का बैरियर था, लेकिन ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलने के बाद 50% की बाधा भी हट गई है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जब वे 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब ओबीसी का आरक्षण 21% था, जबकि अनुसूचित जाति का आरक्षण 8 से बढ़ाकर 16% किया गया और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 6 से बढ़ाकर 12% किया था। गहलोत ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार के वक्त यह बढ़ोतरी हुई है और आगे भी उनके वक्त में ही बढ़ोतरी होगी। शासन हमारा आया, हमने आरक्षण दिया और फायरिंग की बात छोड़ दो, लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया। मैंने लाठीचार्ज नहीं होने दिया, चाहे वो बोले फटरियों बैठे हो या धरने दिए हो, कुछ भी क्या हो, प्यार से मोहब्बत से भाईचारे से समझा करके हमारे मंत्री को भेजते थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाते थे बार बार और विश्वेंद्र सिंह जी गए कई बार, हम सब मिलके ऐसी स्थिति कर दी कि उनको धरना से उठना पड़ता बिना कोई लाठीचार्ज के। माना जा रहा है कि सीएम गहलोत ने यह बयान देकर आरक्षित वर्ग को साधने की कोशिश की है। संभवतः इसी बयान के जरिए मुख्यमंत्री आरक्षित वर्ग को यह मैसेज देना चाहते होंगे कि आरक्षण को बढ़ाने वाले और आरक्षित जातियों को संरक्षण देने वाले वे और उनकी कांग्रेस पार्टी ही हो सकती है। इस बयान के गहरे राजनीतिक मायने हैं। साथ ही माना जाता है कि कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन के प्रस्ताव को देश की भावी राजनीति की धारा तय करने वाला आधार बनाने की कोशिश में कांग्रेस के नेता और ज्यादा मेहनत करते हुए केंद्र पर दबाव बनाएंगे। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।